हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन, जिसपे देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, आपका थ्योरी सहित और चित्र से बहुत ही आसानी से इसे समझने वाले। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, टॉपिक आपका एकदम आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, एकदम आसानी से समझेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 2 विद्युत रसायन का जो टॉपिक हमारा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसे इंग्लिश में SHE भी कह सकते हो आप। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो, आपको हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। देखो, हमने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाली वीडियोज में कि मान लो किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसको उसके ही विलयन में डुबोया जाता है। मान लो जिंक है तो जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोगे तो ये जो जिंक की छड़ है आपकी, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। ठीक है, और ये जो जिंक की छड़ इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी और इनके मध्य जो विभवांतर लगेगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये बात हमने इसके पहले वाले वीडियोज में कर रखी। ठीक है, तो अरे आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो इस पर क्या होगा, इस पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में आपको इलेक्ट्रोड रखना होगा। ठीक है, जैसे इसमें जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड रखा, वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में हम लोग इलेक्ट्रोड रखेंगे और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो, चलो बनाते हैं आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे होगा। ये पूरा चित्र है इसका। ठीक है, प्लेटिनम की जाली, ये आपका एक कांच की नली के अंदर इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, तो चलो थ्योरी पढ़ते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की थ्योरी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, मतलब कांच की नली में बंद एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, कांच की नली ये जो देख रहे हो, इसके अंदर जो ये है, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है, जिसमें सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, तो नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, और आगे देखो क्या कहा गया, यह इलेक्ट्रोड H प्लस आयन के, यह इलेक्ट्रोड H प्लस आयन के एक मोलर विलयन अर्थात एक मोलर HCl विलयन होता है इसमें। ठीक है, इस पर एक मोलर HCl विलयन होगा, यह इलेक्ट्रोड H प्लस आयन के एक मोलर विलयन, ठीक है, या कह सकते हो एक मोलर HCl विलयन में रखा जाता है, तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर निरंतर H2 गैस आपकी प्राप्त की जाती है। ठीक है, H2 गैस जो है निरंतर प्राप्त की जाती है, जो आप बुलबुला देख रहे हो बुलबुले के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन के एक मोलर विलयन में रखा जाता है तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध H2 गैस निरंतर प्राप्त की जाती है बुलबुलों के रूप में। देख सकते हो यहाँ से आपकी एक एटमोस्फेरिक पर H2 गैस निरंतर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रोड देखो परत चढ़ी रहती है और यह इलेक्ट्रोड H प्लस आयन के एक मोलर विलयन एक मोलर HCl में रखा रहता है तथा इसमें एक वायुमंडल दाब पर आपकी शुद्ध H2 गैस निरंतर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इस पे क्या एक मोलर HCl का विलयन है जिसपे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रखा है। ठीक है, तो अब आगे देखो, प्लैटिनम पर उपस्थित सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम ब्लैक H2 को अवक्षेपित करके H2 तथा H प्लस आयनों में शीघ्र साम्य स्थापित करने में सहायता करती है। क्या कहा गया, देखो मतलब समझो इसका, प्लैटिनम पर जो उपस्थित सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम ब्लैक की जो परत चढ़ी थी वो H2 को अवक्षेपित करके H2 तथा H प्लस आयनों में शीघ्र साम्य स्थापित करने में सहायता करती है। ठीक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य करता है। जब एनोड की भांति कार्य करेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा। देख सकते हो H2 गैस आपकी 2H++2 इलेक्ट्रॉनों में टूट जाएगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और आपको याद रखना है एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, और जब कैथोड की भांति कार्य करेगा तो वो अपचयन की क्रिया दिखाएगा। देख सकते हो 2H++2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड है ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। ठीक है, जब एनोड की तरह कार्य करेगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, जब कैथोड की तरह कार्य करेगा तो उसका अपचयन होगा। ठीक है,
आगे देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, ये मेन पॉइंट है इसका। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इसका जीरो होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो ये बात जरूर याद रखना। तो ये बात थी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दो भांति से कार्य करता है, एनोड की भांति भी, कैथोड की भांति भी। एनोड की बात कार्य करेगा तो ऑक्सीकरण, कैथोड की भांति में अपचयन, ठीक है। तो देख सकते हो आसानी से ये पूरी बातें आप समझ सकते हो, एकदम आसान है, ठीक है। तो देख सकते हो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका देख सकते हो कांच की नली के अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और एक मोलर HCl के विलयन में डूबा होता है, ठीक है, और इससे निरंतर H2 गैस प्राप्त की जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।